हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर है, मैट्रिक्स, उसका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 मैट्रिक्स एंड प्रूव डैट ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वेयर प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो जो मैट्रिक्स है ये 2 × 2 है, ऑर्डर है इसका। एंड इसमें ए इज इक्वल टू 2 1 एंड 3 2, देन हम निकालेंगे ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर होगा ए डॉट ए, दो इसकी अपने आप से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 1 3 2 मल्टीप्लाई 2 1 3 2। तो इसमें स्टूडेंट्स ये रो है, ये वाली रो है, ये रो 2 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो इस साइड कॉलम, इस साइड रो। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि इस रो को फर्स्ट वाले से कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 × 2 प्लस 1 × 3, फिर इसको दूसरे कॉलम से 2 × 3 प्लस 3 × 2, देन 1 × 2 प्लस 2 × 1 एंड दिस 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 रो दिस कॉलम। तो 1 × 3 प्लस 2 × 2, और ये हो गया 4 + 3 एंड दिस इज 2 + 2, दिस वन इज 6 + 6 एंड दिस इज 3 + 4। तो ये हो गया 7, ये आ गया 4, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 7। तो दिस इज ए स्क्वेयर। देन हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब में ये आ जाएगा ए स्क्वेयर डॉट ए। ओके, तो ए स्क्वेयर है ये वाला, दिस इज 7 4 12 7 एंड ए इज दिस वन 2 1 3 2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ था हमारे पास ए क्यूब था। ओके, तो इसमें है ओके 7 एंड 2, 7 × 2 ओके एंड प्लस है 12 × 1, प्लस 12 × 1 ओके, देन है 7 एंड 3 एंड 12 एंड 2, 7 × 3 प्लस 12 × 2 ओके, देन 4 एंड 2, 4 × 2 प्लस 7 × 1, 7 × 1। लास्ट में है 4 × 3 एंड 7 × 2, 4 × 3 प्लस 7 × 2। तो ये हो गया 14 + 12, ये आ गया 8 + 7, दिस इज 21 + 24, दिस इज 12 + 14, ये बन गया आपका, ये आ गया 6 एंड 2 26, 8 + 7 15, ये हो गया 5 एंड 4 45 एंड दिस इज 4 5 6 एंड 2 26।
दिस इज ए क्यूब। तो हमें निकालना क्या है, लेट्स सी, हमें निकालना है ए क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस ए। ए क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस ए, तो वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये बन जाएगा 26, 15, 45, 26 माइनस फोर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर था हमारा 7, 4 एंड 12, 7, 7, 4 एंड 12, 7, ओके प्लस ए, ए इज 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, ओके okay, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया 26, 15, ये जगह 45, 26, माइनस 4 को, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 7 जा 28, 4, 4 जा 16, 12, 4 जा 48, 7, 4 जा 28, प्लस 2, 1, 3, 2। अब इस मैट्रिक्स को हम प्लस माइनस करेंगे, तो फर्स्ट वाले में आएगा 26 माइनस 28 प्लस 2, सेकेंड वाले में आएगा 45 माइनस 48 प्लस 3, लास्ट इसमें आएगा 15 माइनस 16 प्लस 1, और इसमें आएगा 26 प्लस सॉरी माइनस माइनस 28 प्लस 2। अब इसको प्लस माइनस करेंगे हम एंड ये बन गया माइनस 2 प्लस 2, ये बन गया माइनस 1 प्लस 1, ये बन गया माइनस 3 प्लस 3, दिस इज आल्सो माइनस 2 प्लस 2। तो टर्म क्या बन गई, ये आ गया आपका, ये भी ज़ीरो आ गया, 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 जो किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के। हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि ये वाली टर्म जो है ये ज़ीरो के इक्वल है, तो यही हमें प्रूव करना था। ओके थैंक्स।